शंकु परिच्छेद में अगला टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है और वो है दीर्घवृत्त, एलिप्स। दीर्घवृत्त से तात्पर्य है कि ऐसा वलय जिसकी दोनों त्रिज्याएं, दो परस्पर लंबवत त्रिज्याएं बराबर ना हो। जैसे किसी रिंग को एक ओर से दबा दिया है तो दूसरी ओर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ठीक, जो एक प्रकार से अंडाकार आकृति बन जाती है, वो इलिप्स या दीर्घवृत्त कहलाता है। ठीक, अंडाकार आकृति तो वास्तव में इलिप्सॉइड होता है। इलिप्सॉइड का मतलब जैसे किसी दीर्घवृत्त को उसके लघु अक्ष या दीर्घ अक्ष के परिता घुमाने से जो त्रिविम आकृति बनेगी वो इलिप्सॉइड कहलाता है। ये टू डायमेंशनल फिगर है, जैसे पैराबोला आपका, जैसे आपका वृत्त, उसी तरह से दीर्घ। दीर्घ वृत्त को कैसे परिभाषित किया गया? यदि कोई चर बिंदु इस प्रकार गति करे कि एक दिए गए स्थिर बिंदु से उसकी दूरी और दी गई स्थिर रेखा से उसकी दूरी का अनुपात एक से कम हो और अचर, ठीक, परवलय में ये अनुपात एक होता था, अचर होता था, यहां पर ये अनुपात अर्थात पीएस अपॉन पीएम, ठीक, स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी और स्थिर रेखा से चर बिंदु की दूरियों का अनुपात एक से कम हो तो जो आकृति जनरेट होती है, जो आकृति बनती है, उसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। दीर्घवृत्त की एक और परिभाषा होती है, यदि कोई चर बिंदु इस प्रकार गति करे कि दिए गए दो स्थिर बिंदुओं से उसकी दूरियों का योग नियत रहे, तो ऐसी स्थिति में भी जो अनुरेखित वक्र होता है वो दीर्घवृत्त होता है। जैसे क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग शॉर्ट में ये कह सकते हैं, जैसे जमीन पर दो खूंटियां गाड़ी जाए, दो कीले गाड़ दी जाए, इनके बीच में एक ढीली डोरी बांधी जाए, ठीक, एक ऐसी डोरी बांधी जाए जिसकी लंबाई इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से अधिक हो, ठीक, ऐसे इस तरह से एक डोरी बांधी जाए और इस डोरी में पेंसिल या कोई लकड़ी, ठीक है, फंसा करके कि सरकती रहे डोरी, और इस तरह से लकड़ी को या जो है पेंसिल को चलाया जाए कि दोनों ये डोरियों के भाग हमेशा तने रहे, तो ऐसी स्थिति में जो आकृति बनती है वो क्या होती है, वो भी दीर्घवृत्त होती है। इस तरह की आकृति ये बनेगी। इसके पहले ये इस प्रकार का एक प्रश्न पीसीएस परीक्षा में आ चुका है कि यदि एक बकरी के गले में एक रस्सी बंधी है, वो रस्सी बकरी के गले में जो पट्टा है उसमें एक छल्ला है, उससे होकर के रस्सी जाती है और रस्सी जमीन पर दो खूंटियों के बीच बंधी है, रस्सी ढीली है। अब बताइए यदि बकरी घास चरती है तो जमीन पर बनने वाली आकृति कैसी होगी, ठीक, तो वो आकृति क्या होगी, दीर्घवृत्त की आकृति। ये दो स्थिर बिंदु है और चर बिंदु ये है, ये इस तरह से गति करे कि दोनों दिए गए बिंदुओं से उसकी दूरियों का योग नियत रहे, तो ऐसी स्थिति में जो जनरेट है फिगर होगा जमीन पर वो क्या होगा, एक एलिप्स होगा। अब यहाँ पर दीर्घवृत्त की परिभाषा के अनुसार हम लोग ये लेकर के चलते, मान लीजिए ये वो स्थिर रेखा है, इस बार स्थिर रेखा की दूरी स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी से ज्यादा रखना, मान लेते हैं कि ये वो स्थिर बिंदु है, ठीक है, ये हमने एक्स अक्ष ले लिया, ये हमने वो स्थिर रेखा ले ली, ठीक है, और ये वो स्थिर बिंदु हो गया, एस की बात कर ली, ठीक है।
अब क्या करना है कि चर बिंदु की पहली स्थिति हम पता करें, ये पी एस का मान कब रखना है, पी एम का मान, ये इस बिंदु को हम जेड कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो पी एस का मान कम और पी जेड का मान ज्यादा, तो पी एस ये जेड, अब अगर जैसे चर बिंदु हम यहां लेंगे, यहां आएगा तो ये दूरी कम होगी, ये दूरी ज्यादा होगी, ये इसको एम कहते हैं, तो पी एस अपॉन पी एम ये अनुपात ई के बराबर कहा जाता है परिभाषा में उत्केंद्रता, और ये किससे कम है, एक से कम है तथा कांस्टेंट है, जो भी है उतना ही रहेगा। तो ये चर बिंदु की पहली स्थिति हमने यहां ली, तो पी एस अपॉन पी जेड, फिर चर बिंदु यहां पहुंचा तो पी एस अपॉन पी एम ये ई के बराबर होगा, इसके बाद चर बिंदु यहां पहुंचा तो ये पी एस पी एम ये हुआ, ठीक है, चर बिंदु की स्थिति, ठीक है, ऊपर नहीं जा पाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पी एस अपॉन पी एम ये अचर नहीं रहेगा, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ कहीं पर ये तो पी एस ये होगा, पी एम ये होगा, फिर आपको कहीं ऐसा इधर मिलेगा तो ये पी एस का मान होगा, ये पी एम का मान होगा, फिर कहीं यहाँ आपको मिलेगा ये पी एस ये पी एम, ठीक, इसके बाद ये बिंदु कहीं आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, तो पी एस ये पी एस इतना और पी एम इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि एक बंद आकृति आपको इस तरह की मिलेगी, ये आकृति आपको मिलेगी, ठीक, तो इस आकृति को देख करके पता चल रहा है कि ये आकृति अगर बीच का बिंदु ले लिया जाए, ये अगर वाई अक्ष हो, ये वाई अक्ष हो, ठीक है, तो ये आकृति जैसी इधर है वैसी ही इधर है, इसलिए जैसा बिंदु यहाँ है वैसा बिंदु यहाँ भी होगा, तो इसका मतलब है कि पर दीर्घवृत्त में दो नाभियाँ होती हैं, ठीक, दो नाभियाँ, जैसी रेखा ये है वैसी ही रेखा एक इस ओर भी होगी, ठीक, ऐसी ही रेखा इस ओर भी होगी, और इस तरह से आप देखेंगे कि दो नियताएं होंगी, ठीक, दो नाभियां और दो नियताएं, और किसी भी ओर की, किसी भी एक ओर की नाभि या एक ओर की नियता, एक ओर की नाभि और नियता लेकर के, चाहे केंद्र से उधर वाली और चाहे केंद्र से इधर वाली, किसी भी एक नाभि और नियता को लेकर के पूरे दीर्घवृत्त को अनुरेखित किया जा सकता है, ठीक, सो इसको एस डैश कहते हैं, इस पॉइंट का नाम ए हो गया, इसका नाम ए डैश हो गया, ए और ए डैश ये दीर्घवृत्त के शीर्ष हो गए, ए और ए डैश, ठीक है, एस और एस डैश इस दीर्घवृत्त की नाभियां हो गई, इसमें एक अक्ष बड़ा है लंबाई में और एक अक्ष छोटा है लंबाई में, इस ए ए डैश वाले अक्ष को दीर्घ अक्ष कहते हैं, इस बिंदु को बी और इसको बी डैश कहा जाए, तो बी बी डैश जो अक्ष है उसे लघु अक्ष कहते हैं, ये लघु अक्ष होता है, ये दीर्घ अक्ष, ठीक, दो त्रिज्याएं हैं, ये लघु त्रिज्या है, ये दीर्घ त्रिज्या है और ये लघु त्रिज्या है, इसे सी को दीर्घ वृत्त का केंद्र कहते हैं और सी के निर्देशांक जीरो से, सी मूल बिंदु है यहाँ पर जीरो से। अब बात आती है कि ठीक है ये अनुपात नियत रहता है, एक से कम रहता है, जब हम अनुरेखित करते हैं तो ऐसी आकृति जनरेट होती है, तो इस आकृति का समीकरण कैसे निकलेगा, ठीक, तो हम परिभाषा की मदद लेंगे, पी एस अपॉन पी एम क्या है, ई के बराबर है और एक से छोटा है, ठीक, सबसे पहले हमको पता करना होगा कि इस जेड बिंदु का निर्देशांक कितना है और इस ए बिंदु का निर्देशांक क्या है, ठीक, इसका निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, बिंदु एस का निर्देशांक क्या है, इन तीनों के निर्देशांक अगर हमको पता चल जाए तो हम इसका समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। सो देखें कैसे हम लोग
अपॉन क्या हो जाएगा, एएस अपॉन एजेड, क्योंकि ये लंब की लंबाई तब एजेड हो जाएगी, तो एएस अपॉन एजेड इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो समीकरण हो जाएगा एएस बराबर ई एजेड, समीकरण नंबर ए। इसके बाद जब ये चर बिंदु चलता हुआ ए डैश पर पहुंचेगा तो समीकरण ये बदल करके हो जाएगा ए डैश एस अपॉन ए डैश जेड, ठीक है, ए डैश जेड, क्योंकि तब पी यहां आ गया बिंदु, तो ये नाभि हुई और ये नियता हुई, तो पी एस मीन्स ए डैश एस अपॉन ए जेड is equal to b, कितना होगा e, अर्थात a dash s बराबर हो जाएगा a dash z into e, समीकरण नंबर दो। अब इन दोनों समीकरणों को एक बार हम जोड़ करके देखें कितना आता है। देखो एक धन दो किया, एक धन दो, ठीक, तो एक धन दो करने पर as प्लस ए डैश एस बराबर ई कॉमन ले लिया, ए डैश जेड प्लस ए जेड दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। अब जोड़ने पर हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखे ए एस और ए डैश एस मिल करके हो गया ए डैश A-A-S is equal to, ठीक, ये इतनी दूरी और इतनी दूरी मिलकर के A-A-S, ठीक, यहाँ पर E into A-Z, ध्यान दीजिए, A-Z को क्या लिख सकते हैं, C-A-S plus C-Z, तो C-A-S plus C-Z, ठीक, इतना लिख सकते हैं, प्लस A-Z को क्या लिख सकते हैं, सी जेड माइनस सी ए, ठीक, तो सी जेड माइनस सी ए, ये दोनों दूरियां हम बराबर मान रहे हैं, सी ए और सी ए डैश, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सी ए और सी ए, ए डैश की दूरी हम टू ए मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी हमने ए मान ली है इतनी, तो इस बिंदु के निर्देशांक ए जीरो माने हमने, तो ए डैश के निर्देशांक माइनस ए जीरो, ठीक है, तो ये लंबाई टू ए मान ली, तो यहां से हो गया ई इंटू टू सी जेड, टू टू कैंसिल हो गया, सी जेड इज इक्वल टू हो गया ए अपॉन ई, ठीक, सी जेड ए अपॉन यू, तो यहां पर जेड बिंदु के निर्देशांक हो गए A upon E कॉमा जी, A upon E जी, और ये बिंदु उसी के संगत है, Z dash बिंदु के निर्देशांक माइनस A upon E जी, Z बिंदु के निर्देशांक ये होगा, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब बचा हमको S बिंदु के निर्देशांक और पता करना है, ठीक, तो यहां से ये क्या करेंगे, अब दो में से समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दें, ठीक, समीकरण नंबर दो क्या है आपका, ए डैश एस माइनस ए एस बराबर ई ए डैश जेड माइनस कितना ए जेड, अब घटाने पर ये मिल जाएगा, ठीक, देखें ए डैश एस और वो उधर एस, ए डैश एस को क्या लिख सकते हैं, सी ए डैश प्लस सी एस, सी ए डैश प्लस सी एस माइनस ए एस को क्या लिख सकते हैं, सी ए माइनस सी एस, ठीक, ये देखे सी ए माइनस सी एस, ठीक, ये किसको लिखना है, ए एस, ठीक है, ए एस को इतना लिख सकते हैं, सी ए सी ए माइनस सी एस, ठीक है, इज इक्वल टू ई इंटू ए डैश जेड, ए डैश जेड में से ए जेड चला गया तो दूरी बची ए ए डैश, और ए ए डैश इसके बराबर है टू ए,
यहां से CHS प्लस CS माइनस CA प्लस CS बराबर हो गया E इंटू टू ए। CA और CA कैंसिल क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर हो गई। ठीक, तब यहां हो गया twice of CS is equal to twice AE, टू टू कैंसिल, CS की वैल्यू हो गई कितनी AE। ठीक, तो यहां से ध्रुव पहली ये पहली फोकस का ये नाभि का निर्देशांक आ गया AE जीरो और दूसरी नाभि का निर्देशांक हो गया माइनस AE जीरो। तो अब हमको सारे बिंदुओं के निर्देशांक मालूम हो गए। ठीक, अब आप दीर्घवृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। वो कैसे, इसमें PS बटे PM बराबर क्या लेकर के चलना है और चर बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक x y। तो परिभाषा से क्या हो जाएगा, परिभाषा से PS बटे PM इज इक्वल टू E है या PS का स्क्वायर बराबर हो जाएगा E स्क्वायर इंटू PM का स्क्वायर। PS ये दूरी का स्क्वायर, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर, सो x माइनस ए इंटू ई का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा e स्क्वायर। और PM दूरी कितनी होगी, देखें यहां से ये इतनी दूरी x है क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक x y, सो यहां से यहां तक की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी x है, जबकि पूरी दूरी आपको मालूम है वो कितनी है a अपॉन e, क्योंकि cz का मान कितना है a अपॉन e। तो a अपॉन e में से अगर हम इतना घटा देंगे ठीक, तो हमको ये दूरी मालूम हो जाएगी और ये दूरी किसके बराबर है, PM के बराबर। तो PM बराबर हो जाएगा x माइनस सॉरी a अपॉन e माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, वो PM का मान हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर खोल दीजिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए अपॉन ई। सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है, वाई ए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस टू एक्स ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ई स्क्वायर से बड़ा कर ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए ये और ये कैंसिल। ठीक, अब बचा क्या, इनमें ई का मान एक से छोटा है इसलिए ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर से छोटा होगा, इसलिए इसको इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर छोटा है किससे, ए स्क्वायर से, तो इसको इधर ले आएंगे प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसमें कॉमन हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन, तो वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन वन माइनस ई स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर से पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक, ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहां से जो समीकरण मिला वो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस संख्या को बी स्क्वायर लिखते हैं, ये किसके बराबर है ये अभी हम पता करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो पिछले टाइम पर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दीर्घ
था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। इस दीर्घवृत्त में क्या था, इसका अक्ष दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है और इसकी विशेषता क्या है, इसमें ए स्क्वायर या ए बड़ा है किससे, बी से, ए का मान बी से बड़ा है। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ये एक रिलेशन प्राप्त हुआ था ए और बी के बीच में। इस दीर्घवृत्त का शीर्ष था प्लस माइनस ए जीरो, नाभियां थी प्लस माइनस ए ई जीरो, ठीक है, केंद्र जीरो जीरो, दीर्घ अक्ष की लंबाई टू ए, ए ए डैश इज इक्वल टू टू ए था क्योंकि सी ए की लंबाई ये इतना ए था, ठीक है, सी एस आपका जो निकला था वो ए ही था, ये आपने पढ़ा। लघु अक्ष की लंबाई टू बी और ये दाएं थी प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। ये दीर्घवृत्त का पहले प्रकार का मानक समीकरण, फर्स्ट टाइप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इन विच ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये ध्यान दें कि ये लंबाई अभी हमने ऐसे ही लिख ली, अगर हम इस लंबाई को के माने तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट जीरो के होगा और जीरो के इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होना चाहिए, जीरो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर और के इक्वल टू बी, तो ये अगर बी लंबाई हुई तो ये भी बी हुई, ठीक है, तो ये भी लंबाई कितनी, ये भी बी के बराबर हुई। तो इस आधार पर जो लघु अक्ष की लंबाई निकली वो कितनी निकली, टू। लंबाई यहां पर टू इस तरह से प्राप्त। अब बात आती है कि दीर्घवृत्त का जो दूसरा मानक समीकरण है, दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो फॉर्मूला तो यही होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, फॉर्मूला यही होगा, बट दिस टाइम बी इज ग्रेटर देन ए। अब इस बार क्या होता है, बी बड़ा होता है किससे, ए से, और अगर इस दीर्घवृत्त को आलेखित किया जाए तो एक्चुअल में इसका जो अभिलेख होगा वो इस टाइप का होगा, ठीक, ये वाई अक्ष की दिशा में इसका दीर्घ अक्ष होता है, तो अगर ऐसी स्थिति में कहा जाए तो दीर्घ अक्ष की लंबाई इसमें ऐसे अति पर ऐसे दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर टू बी, ये इस बार दीर्घ त्रिज्या जो होगी वो बी के बराबर होगी और लघु त्रिज्या जो होगी वो ए के बराबर होगी, तो लघु अक्ष की लंबाई यहाँ पर टू ए होगी, इस बार बी बड़ा होगा ए से, नाभियां यहाँ पर नाभियां जो होंगी वो जीरो प्लस माइनस बी ई, केंद्र वही रहेगा जीरो जीरो ही, केंद्र जीरो जीरो, ठीक है, नियताएं जो होंगी नियताएं y is equal to plus minus b upon e, ये लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की नाभियां, शीर्ष अगर आप लिखेंगे इसके लिए,
सीट्स जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो प्लस माइनस डी। तो ये दूसरे टाइप का स्टैंडर्ड इक्वेशन है दीर्घवृत्त का। दो प्रकार के दीर्घवृत्त ये, इनके मानक समीकरण आपने इस तरह से देखे। एक में ए बड़ा होता है बी से, इसमें ठीक, अर्थात एक्स स्क्वायर के नीचे जो गुणांक है ठीक, उसका मतलब ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर या ए इज ग्रेटर देन, और इनमें ये रिलेशन होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर यही रिलेशन बदल करके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। इसके लिए ये रिलेशन होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें ध्यान दीजिए इसमें जो बड़ा नंबर होता है बड़ी संख्या वो इस साइड होती है, बी स्क्वायर यहाँ पर बड़ा है इससे ए स्क्वायर से, ए का मान एक से कम होगा। तो ये दूसरे टाइप का स्टैंडर्ड है इक्वेशन हुआ एलिप्स का। अब अगली बात आती है कि दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है वो हम लोगों को निकालना है। तो अगली हेडिंग है दीर्घवृत्त के नाभिलंब की लंबाई।